किसी को सीरियसली एक्सपोज नहीं करने वाला हूँ। सो हे गाइस, दिस इज पीकेएम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज किसी को सीरियसली एक्सपोज नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ बात कर रहा हूँ मुंबई के निखिल और गोविंद व्लॉग्स के बारे में। मैंने रिसेंटली अभी एक वीडियो देखा था गोविंद व्लॉग्स का, कि वो मुंबई का निखिल को मिलने गया था, बहुत ही बेताब था वो मिलने के लिए, वो 6 घंटे रुका हूँ उनके लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ कि वो गोविंद व्लॉग, उसका नाम गोविंद है, जो मुंबई का निखिल मुंबई पवई में रहते हैं, तो वहाँ उसके गेट के बिल्डिंग है उसकी पुरानी, जो पहले मुंबई के निखिल रहते थे और अभी भी रह रहे, जो अभी उनकी ऑफिस है, तो वो वहाँ पे एंटर हो रहा था और मुंबई का निखिल वहाँ से निकल रहा था, तो वो उनके साथ एक सेल्फी खिंचाने के लिए वो वहाँ पे 6 घंटा खड़ा रहा। पहले तो उनका ये एक छोटा सा क्लिप है, वो देखिए। कर रहे हैं सर, आपने क्लिप देखा। और उसने कहीं का इंटरव्यू भी लिया कि किसी को पूछा कि मुंबई की निखिल यहीं पे रहते हैं, और उसने ऐसा भी पूछा कि एज अ प्रूफ कि मैं कितना घंटा यहाँ पे खड़ा रहा हूँ। लेंगे फोटो क्लिक करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है रियल में। जो होता ना, अभी आप लोग खुद सुनेंगे। अंकल, ये निखिल सर को जानते हैं जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे? जानते हैं ना सर? आप भी अंकल जानते हैं, तो आप ही बताइए हम कब से यहाँ पे? 6 घंटे हुए। और बारिश बारिश भी बहुत है। और हम कहाँ पे खड़े थे अंकल, आप बताओ जरा। हमारे दुकान के पास खड़े थे और गेट के पास। और सुबह से हम कुछ खाए या नहीं खाए ये बताओ आप? कुछ नहीं खाए। और अंकल ने अभी ओड़ा पाव मंगवाया था मेरे लिए, फिर ओड़ा पाव का इन्हें मतलब ये हमको देखे तो इनको दया आया कि वो बच्चा वहाँ पे खड़ा इतनी देर से क्या कर रहा हो। तो हम इनका पूरा स्टोरी बताया अंकल को, तो अंकल ने फिर बुलाया मुझे, बोला आप इधर बैठो, आएंगे नीचे उतरेंगे तो मुलाकात होगा। और हम भी यही बोले कि भाई मिल लेना। लेकिन ऐसे कितने लोग आते हैं अंकल बताओ? मैं तो फर्स्ट था, मुझे हम यहाँ पे आए तब मुझे पता चला। बाकी यहाँ पर बहुत लोग आते हैं उसे मिलने। हाँ, तो क्या होता है, मैंने सुना है कि आते हैं बहुत से लोग, लेकिन मैं यहाँ था नहीं, आज मैं यहाँ बैठा था तो मैं देखा कि आप आए हो मिलने। तो आपसे तो मैं देखा, आपके सामने आप मिलने गए तो उन्होंने आपसे मिला नहीं। मुंबई का निखिल पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन वो जल्दबाजी में थे या क्या हुआ, लेकिन वो जल्दी से निकल गए और ऐसा हुआ कि उसको सेल्फी भी नहीं दी। क्यों नहीं दी, वो रीज़न भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। फिर दूसरी बात, वो लड़का 6 घंटा खड़ा रहा, बाद में वो बहुत ही रोने जैसा हो गया था और बहुत ही दुख भरी कहानी उसने उनकी बताई कि मैं यहाँ से आया हूँ, 6 घंटे से आया हूँ, मुंबई का निखिल सिर्फ मुंबई वाले से ही मिलते, कुछ यूपी से हो किसी भी या स्टेट से आते तो उनके साथ सही से बात नहीं करते, ऐसा वो गोविंद व्लॉग्स की जो चैनल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, उसके भी 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। जो लड़का सिर्फ 12 से 13 साल का ही है, लड़का बहुत ही छोटा है और इतना बड़ा यूट्यूबर है, वो भी इतना बड़ा यूट्यूबर। और सही बात है वो लड़के की, गोविंद व्लॉग्स की बात सही है कि वो इतने दूर से आया है और मुंबई का निखिल को 6 घंटे से वो उसकी वेट कर रहा था और फिर कुछ सेल्फियाँ कुछ नहीं मिले और ऐसे ही उसको निकाल दे तो कोई मतलब नहीं है। और मुंबई का निखिल के बारे में बात करूँ अब, मुंबई का निखिल के बारे में, तो मुंबई का निखिल की जो पुराना उनका घर था उसको जो ऑफिस बना दिया है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि मुंबई का निखिल ऐसा बोल रहे हैं कि वहाँ पे उनकी बिल्डिंग में कहीं पे चोरी हुई है और लोग सेल्फी खींचाने आते हैं, ये करते वो करते, उनसे मिलने के लिए आते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि उनकी बिल्डिंग के पास मत जाओ। उनकी बात भी सही है क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक ज़्यादा हो जाती है तो कोई बिल्डिंग वाले डिस्टर्ब हो जाते हैं या कुछ भी हो सकता है, लाइक
किसी के घर में चोरी हो सकती है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई क्रिएटर मिल रहा है, कोई भी पब्लिक मिल रहा है तो ऐसा होता, लेकिन कुछ भी हो सकता है। सो मुंबई का निखिल की बात भी सही है, और वो बहुत ही डिस्टर्ब हो रहे थे। बहुत साल पहले कुछ ऐसा हुआ था कि एक लड़का था, उसका एक लड़का था जो उसके 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे, और सब्सक्राइबर होने के बाद वो प्ले बटन था, सिल्वर प्ले बटन, उसका अनबॉक्सिंग मुंबई का निखिल के साथ किया था। तो पता नहीं वो वीडियो प्राइवेट हो गया, मुझे मिल भी नहीं रहा है, लेकिन ऐसा हुआ था। और मुंबई का निखिल की स्टोरी है, आप देखिए, आपको पता चल जाएगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। सब्सक्राइबर वो देखने के बाद वीडियो, काफी सारे लोग घर पे आ रहे हैं कैमरा लेके विदाउट परमिशन, कहीं पर भी कैमरा डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, सोसाइटी वाले कंप्लेंट कर रहे हैं। गाइस मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कहीं पर भी लोग बिल्डिंग में मत आओ प्लीज, बहुत तकलीफ हो जाती है। हम लोग कोई बंगले वंगले में तो रहते नहीं है, पुरानी बिल्डिंग में रहता हूँ मैं, मेरा ऑफिस है, बहुत तकलीफ हो जाती है। चोरी वोरी भी हुई है बिल्डिंग में, जिसकी वजह से मेरे को वार्निंग दी गई है, प्लीज। सो आपने स्टोरी देख ली है, और यही बताना चाहता हूँ कि गोविंद ब्लॉग्स, उनकी बात पे भी वो सही है, और मुंबई का निखिल, उनकी भी बात पे सही है। सो गलत लगाने की कोई बात नहीं, लेकिन मुंबई का निखिल जो वो लड़का गोविंद ब्लॉग्स वहाँ पे आया था, तो आपको एक सेल्फी खींचा के उसको खुश कर देना चाहिए था, बस इतनी ही गलती आपकी हुई है। मैं किसी को एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि आप अपनी जगह मुंबई का निखिल सही हो, और गोइंग ब्लॉक्स तू अपनी जगह सही है। सो टेंशन मत ले, ऐसा कुछ कोलोब्रेशन होगा मुंबई का निखिल या ऐसा, तो वो ज़रूर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे वो पोस्ट डालेंगे कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे मीटअप कीजिए। तो क्या होता है कि बाहर वो आउट ऑफ सिटी पे या कहीं पे वो मिलते हैं, तो उनको बात करने को भी अच्छा मिलता है, और मुंबई से और कहीं से भी आप व्लॉग देखते हो, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ कोई गलत नहीं है, दोनों अपने तरफ से सही है, लेकिन थोड़ी बातें अनकंडीशनली ऐसा हो जाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग बोलते तो भी चलता है कि मुंबई का निखिल भी वो बहुत ही बिगेस्ट यूट्यूबर है, अभी 3 मिलियन होने वाले उनके। सो वो बहुत ही टेंस रहते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, वहाँ जाना होता है वहाँ जाना होता है, फिर सब यहाँ उनके बिल्डिंग के वहाँ पे इकट्ठे हो जाए, एक आएगा दो आएगा, बाद में 20-25 भी हो जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनके वजह से वो भी टेंशन में रहते हैं, और बिल्डिंग वाले उनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बहुत सारी वार्निंग दे चुके हैं कि भाई अब ऐसा होगा तो आप ये बिल्डिंग छोड़ना पड़ेगा। सो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर कीजिए, गोविंद ब्लॉग जो तू ब्लॉग देख रहा है तो ये ब्लॉग तू शेयर कर, तू भी सही है, तेरी कोई बात गलत नहीं है, तू बंदा सच्चा है और छोटा क्रिएटर है, इसलिए मैं तुझे बहुत सम्मान दे रहा हूँ। मुझे प्राउड फील हो रहा है कि तू इतना छोटा यूट्यूबर होके भी इतना बड़ा तू यूट्यूबर बन सकता है। सो गाइस थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और आपका प्यार मुझे मिल रहा है, लेकिन ये वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जल्द मिलूंगा एक अच्छे से ब्लॉग में। सो थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, बाय बाय। मुझे इस बात का अफसोस नहीं सर कि आप नहीं मिले, ठीक है सर, मुझे इस बात का अफसोस रहा कि मैं पूरे 6 घंटे आपके घर के सामने और बारिश में मैं खड़ा था, और यूपी का नहीं होता तो मैं मिल जाता। यूपी वालों से क्या आपको सर क्या तकलीफ है बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है यूपी वालों से, या फिर कोई कहीं का भी हो सर, आपके फैन तो थे, ऊपर से यूट्यूबर थे, जो भी जैसा भी थे सर, आपके साथ बस एक सेल्फी तो लेना था, और यूपी और एमपी और ये महाराष्ट्र, इससे क्या लेना देना आपको, सभी तो आपका वीडियो वॉच करते हैं। आपने ऐसा तो बोल के नहीं रखा ना कि मेरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ यहाँ मुंबई वाले ही देख सकते हैं और यहाँ पे महाराष्ट्र वाले ही देख सकते हैं, दूसरे स्टेट के नहीं देख सकते हैं, आपने ऐसा तो नहीं कहा वीडियो में ना, यूपी वाले भी तो आपका वीडियो वॉच करते हैं। और सर आप भी ख्वाहिश रखते हैं कि आप हम बड़े यूट्यूबर से मिले, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के अमित भड़ाना हुए, उनसे भी तो आप ख्वाहिश रखते हैं सब मिलने के लिए, अपने से हर बड़े यूट्यूबर का, अगर कोई छोटा यूट्यूबर है तो सब मिलने के लिए सोचता है कि हाँ उनसे एक बार हम मिले।